Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel, welcome back to Amna Idris Daily Vlogs. होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. मेरी हालत पर नहीं जाना आपने, ठीक है, क्योंकि आज है संडे. संडे को छुट्टी होती है, तो मैंने ना रात को बालों पे तेल लगवाया था मामा से, तो थोड़ी देर तक मैं शॉवर लेती हूँ. तो मैंने कहा जरा पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है गाइस से हाय हेलो कर लेती हूँ, देन जो है ना मैं शॉवर लेती हूँ. सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट हूँ. और दूसरा ये कि थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि मेरे 35,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं. मैं तो रोजाना आपको थैंक यू ही करती रहती हूँ. तो अगर आप मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं तो कमेंट में अपना नाम बता दें. वीडियो के एंड में मैं अपनी लास्ट वीडियो पर जिन लोगों ने अपना कमेंट में नाम लिखा था, मैं उनको थैंक यू और उनको वेलकम करूँगी. अगर आप भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो गाइज मुझे बताओ कि हम आपके न्यू सब्सक्राइबर हैं और हम आपको डेली जो है ना आपकी वीडियोज़ को देखते हैं, आपकी वीडियोज़ को लाइक करते हैं. वीडियो पर व्यूज़ आ रहे हैं 2,000-3,000 तक अभी स्टार्टिंग पे आ रहे हैं, और लाइक्स जो है वो 100 तक जाते हैं. तो गाइस अगर 3,000 लोग वीडियो को देख रहे हो तो लाइक भी कर दो ना, क्या जाता है आपका. खैर गाइस मेरी यूनिवर्सिटी ऑन है जैसे कि आपको पता है. तो कल आज संडे था, आज ऑफ था. तो आज मैं आराम से उठी हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया है. नाश्ता मैंने आज सॉलिड वाला नाश्ता किया है. तो आज ना मैंने ना वाइट कोरमा बनाना है, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है. वाइट कोरमा के मसाले जो थे ना वो मुझे आए थे PR में, तो आज मैं उनको आपको ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगी कि क्या सीन है, और वाइट कोरमा भी बनाऊंगी. बहुत ही आसान ऐसा कोरमा जो मैं खुद भी बना सकती हूँ, ठीक है, तो आपको दिखाऊंगी. दूसरा ये कि आज मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ खरीदने के लिए जाना है. तो अच्छा, इसके बारे में मैंने हिना को भी नहीं बताया, मामा को भी नहीं बताया, आयशा को भी नहीं बताया, नूर को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया. तो मैं खुद ही जाऊंगी इस चीज़ लेके घर आ जाऊंगी, देन मैं आयशा को और हिना को बता दूंगी. हिना इससे बहुत खुश होगी क्योंकि हिना का इससे अच्छा खासा लिंक है. खैर गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो शॉवर लेते हैं और चेंज करते हैं. तो ओके गाइस थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ आपको. लेने के लिए मुझे फर्स्ट फ्लोर पर जो जाना पड़ता है ना सुबह सुबह, ये मेरी एक्सरसाइज हो जाती है. खैर ये शायद हेलो गाइस मैं आपको स्टेयर्स में नजर आ रही हूँ. खैर फटाफट से जाते हैं ऊपर. तो गाइस यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ. कबर्ड में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं. तो नूर कह रही थी कि आप यहाँ आना, ये मेरा न्यू ड्रेस, अभी मैंने एक दफ़ा भी ट्राई नहीं किया है. तो पहले तो मैं सांस ले लूँ 2 मिनट. गाइस ये जो है ना ये मेरा न्यू ड्रेस है. नूर कह रही थी कि आप यहाँ आना, फटाफट से ये ड्रेस पहनो और पहन के ना इसको पुराना कर दो, मतलब एक दफ़ा पहन लो ताकि मुझे लाइसेंस मिल जाए इसको पहनने का. तो हमारे नूर और मेरे दरमियान ये होता है कि जब तक हम अपना नया ड्रेस एक बार खुद ना पहन लें तब तक वो अगला बंदा नहीं पहन सकता. तो जब तक मैं अपना न्यू ड्रेस की अनबॉक्सिंग मतलब उसको एक दफ़ा पहन नहीं लूँगी तो उसको इजाज़त नहीं होगी, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा कि वो एक दफ़ा पहन ले. तो खैर आज क्या पहने, ये वाला भी ड्रेस मेरा भी न्यू, अभी मैंने ये ट्राई नहीं किया है, ये वाला भी ट्राई नहीं किया अभी, और ये वाला भी ट्राई नहीं किया अभी. खैर क्या पहनूँ यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही. ज़रा मैं कपड़े डिसाइड करके ना आपसे मिलती हूँ. गाइस मुझे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस मिल गया है, मैं इसको प्रेस करती हूँ, शॉवर लेती हूँ और फिर आपसे मैं मिलती हूँ. बहुत ही प्यारा ड्रेस है, बहुत प्यारा ड्रेस. अब्दुल्ला पकड़ धोने लगा आ रहे हैं ऊपर नीचे. हाँ जी अस्सलामुअलैकुम. और कुछ बोल तो गाइस को क्या हो गया है, गाइस आपके फ़ैन है, नो इंटरेस्ट. तो गाइस मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं. एक तो मेरी बहनों को मुझे देखते ही काम याद आ जाते हैं. आज आयशा का रूम जो आपने देखा है जिसमें आयशा ने खुद अपनी पसंद से बेड जो है वो पसंद किया है, अब साइड टेबल भी आयशा ने अपनी पसंद से पसंद किए हैं. तो देखते हैं कि आयशा की पसंद कैसी निकलती है. खैर जिस तरह का बेड इसने लिया है वैसी तरह की साइड टेबल भी ली होंगी. खैर आज वो भी लेने के लिए जाएंगे, आज सारे काम खत्म करेंगे क्योंकि एक संडे ही होता है. अब जब मैं फ्री होती हूँ क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटी भी जाना होता है तो ज़्यादातर फ्री नहीं होती मैं, तो सारे काम आज निपटाएंगे. और आयशा आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेने जानी है जो जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है. तो तुम जूते खाओगी, तो आपने मुझे उसमें लेने जा रही हूँ. फोन किसका फोन लेने जाना नहीं, आज आपको मैं बाद बताऊंगी, आपका डायरेक्ट रिएक्शन देखूंगी और गाइस को दिखाऊंगी. नहीं लैपटॉप नहीं, आयशा को पता है कि अभी मुझे लैपटॉप की जरूरत है, इस वजह से वो कह रही है कि शायद तुम्हें लैपटॉप लेने जाने की. कहती कुछ इस तरह का क्योंकि मुझे कहती है कि ये आयशा खुद तो अपने लैपटॉप मुझे हाथ नहीं लगाने देती, तो मैंने कहा मैंने लैपटॉप लेना है, तो शायद इसको लग रहा है कि मैंने लैपटॉप लेना है, लेकिन वो भी लूँगी लेकिन बाद में लूँगी. फिलहाल जो चीज़ लेने के लिए मैंने जाना है मैंने इसको नहीं बताया. ओके गाइस मैं ज़रा शॉवर ले लूँ फिर मिलती हूँ. बार बार कह रही हूँ शॉवर लेती हूँ, मैं शॉवर लेके मिलूंगी आपसे. A few moments later. So guys, मैंने शॉवर ले लिया है. अब जो है ना मैंने अपने हेयर केयर किया, अभी हेयर केयर मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले तो मैंने कंडीशनर लगाया है,
और कंडीशनर लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने इसकी क्या कहते हैं वो की है, मालिश की है इसकी अच्छी तरह से, कंडीशनर एंड तक लगाया मैंने। मेरे बाल ना बहुत रफ होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, तो मैं अब मैं ज़रा इनकी केयर करने की तरफ आई हूँ कि भाई बाल अच्छे होने चाहिए बंदे के। तो स्ट्रेट करवाना नहीं चाहती मैं इनको, परमानेंट स्ट्रेट नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैंने ना आज एक इसका हल ढूंढा है कि मैं एक स्ट्रेटनर लेने के लिए जाऊंगी। एक ज़बरदस्त स्ट्रेटनर है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो जो है ना बाल मेरे अच्छे तरीके से स्ट्रेट कर देगा, और मज़े की बात वो डैमेज भी नहीं करेगा, उससे एक्स्ट्रा शाइन भी आएगी। तो स्ट्रेटनर मैं लेके आऊँगी ताकि मैं अगर जब भी चाहूँ बाल अपने अच्छे तरह से स्ट्रेट कर सकूँ। मेरे पास स्ट्रेटनर पड़े हुए हैं लेकिन उनकी वजह से मेरे बाल इस कंडीशन पर पहुँचे हैं कि डैमेज हो चुके हैं। तो अब वो स्ट्रेटनर जो है ना वो अच्छा है, डैमेज नहीं करता बालों को, तो थोड़ा सा महंगा है इस वजह से कि डैमेज नहीं करता बालों को, तो वो लेके आऊँगी। मैं अभी आयशा को नहीं इस बारे में पता, सो मुझे मना किया था कि ना लेके आना। खैर ये देखो मैंने कंडीशनर लगाया, कंडीशनर लगाने के बाद मैंने हेयर सीरम लगाया है परमानेंट। इनकी मैं जो है ना प्रॉपर इनकी केयर करती हूँ। तो स्किन केयर अब करते हैं, अपने चेहरे पे भी कुछ चीज़ें लगाते हैं, बाकी थोड़े से मुझे शॉर्ट्स लेने हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं कुछ पीआरस वगैरह, तो उनके शॉर्ट्स लेके वीडियो जो है ना उनके क्लिप्स बना के देन मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने प्रॉपर अपना मतलब क्या कहती है शॉर्ट्स क्लिप्स बनाने हैं, और ये मुझे बहुत तंग कर रही है, बार बार मेरे पैरों पे आगे पड़ती है, मुझे मारने को पड़ रही है। आई थिंक ये हल्की हो गई, और अब इसको गोश्त नहीं अगर देंगे तो ये हमारे पाँव को पड़ेगी। ये देखें तंग कर रही है मुझे, और मुझे वीडियोज़ भी नहीं बनाने दे रही। देखिए ये बहुत हल्की हो गई, और मुझे वीडियो भी नहीं सही से बनाने दे रही। मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स पकड़ के बैठी खड़ी हुई हूँ कि ये साइड पे होती है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, पर इसने तो मुझे बहुत तंग किया हुआ है। तो अब ये जैसे ही साइड पे होती है मैं प्रोडक्ट्स के जो है ना शॉर्ट्स लेती हूँ। यार प्लीज़ नहीं तंग करो, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँ। पता नहीं क्या है इसको, अपनी टांगों को पड़ रही है। A few moments later. Guys, Noor और मैं जा रहे हैं, हम जहाँ से हमने कुछ सामान लिया था जो मैंने आपको बताया था। चलो मैम चले चलो चलो चले फटाफट, नूर तो ऑलवेज रेडी होती है कहीं ना कहीं जाने के लिए, पहनो जूता फटाफट आओ चले। तो गाइस मैंने जो मैं आपको बता रही थी कि मैं ज़रा क्लिप्स ले रही थी, तो बिल्ली मुझे बड़ा तंग कर दी थी, लेकिन मैंने जो है ना तंग काम डन कर लिया। जाके जाओ फटाफट जाओ टिकटॉक पे जाओ कि मेरे क्लिप्स देखो, शॉर्ट्स जो मैंने बनाए हैं वो देखो जाके प्रोडक्ट्स के। तो खैर अब हम जाने वाले हैं जिधर मैंने कोई सामान लेना था, फिर आपको मिलते हैं वहाँ जाके। ठीक है लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। क्या होता है बैठे मैम जी मैमरा मैमरी। ओ माय गॉड बहुत गर्मी है। अब्दुल्ला भी आ रहा है, अब्दुल्ला ने देख लिया था। अबू बकर को ना लाना, अबू बकर वहाँ पे जाके चीजें फिर देख के कहता है मुझे लेके दो लेके दो लेके दो, जिद करने लगता है। अब्दुल्ला भी आ रहा है हमारे साथ, और स्पेलिंग भी याद कर लेता है। फिर कोई चीज देख लेना कहता है मैंने ये लिया है, मैंने कहा जब तक तुम इससे स्पेलिंग याद नहीं करोगे तो मैं लेके ही लेनी है। वो फिर स्पेलिंग याद कर लेता है, कहता है अब लेके दो मुझे। तो अब्दुल्ला आता है फिर हम चलते हैं। तो गाइस मैं वहाँ पे पहुँच गई जहाँ मैंने आना था, अब दुआ करें कि मुझे जो मैं लेने आई हूँ वो मुझे मिल जाए। बैग पकड़ लिया आपने? तो अब चलते हैं अंदर, अब बस मुझे मिल जाए जो मैं लेने आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किधर आई हूँ। गाड़ी की चाबी किधर है? गाड़ी की चाबी उसके अंदर ही है। वाह आमना सुपर, आपको तो वो मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, इतनी जिम्मेदार होने का तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। तो गाइस मैं कहाँ पे आई हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ। ये क्या है पढ़ लिया आपने? ये आज फतेह है, यहाँ पे हम आए हैं। बैग पहनो अपना। तो अब जाते हैं अंदर, तो देखते हैं हमारा प्रोडक्ट हमें मिलता है ये नहीं जो मैं लेने आई हूँ। क्या करना है? चलो बंद करो, तो बाद में पता लगेगा। एक तो किसी जगह पे आ जाए, नुड़के थी व्लॉग ना ऑन किया करो, व्लॉग ना ऑन किया करो, अब तो व्लॉग ऑन ही रहेगा डियर। चलो चलो शाबाश, तेजी से चले तेजी से चले तेजी से। नूर गैस कर रही है कि मैं क्या लेने के लिए आई हूँ, और मैं इसको बस चलाती जा रही हूँ, ढूंढ रही हूँ किधर है। तो मैं स्टेयर्स से ऊपर जा रही हूँ क्योंकि जो मैंने सामान लेना है वो सेकंड फ्लोर पर है, और यस फाइनली मुझे नज़र आ गया है, मतलब जो चीज़ मैंने लेनी है वो मुझे नज़र आ गया है। सो गाइस मैं ये लेने के लिए आई हूँ यहाँ से, जिस पर परसेंटेज ऑफ लगी तो कर लेना, लेकिन मुझे स्ट्रेटनर चाहिए तो यहीं से मुझे मिल जाएगा। तो इस ब्रांड का मुझे लेना था जिस पर 10% ऑफ लगा हुआ है, 10% ऑफ के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ पर आई हूँ। यहाँ सब जगह मैं अपना ब्रांड देख रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तो वो रहा।
अच्छा इसकी तलाश थी मुझे कि मैंने ये लेना है, तो मैं ऑनलाइन देख रही थी, ऑनलाइन मुझे इसकी डिफरेंट प्राइस मिल रही थी, तकरीबन 10% ऑफ थी, तो मैंने कहा मैं जाकर खुद स्टोर से देख के, ऑनलाइन डिलीवरी में तो ज़रा टाइम भी लगना था, दिन लग जाने थे, तो उन्होंने कहा मैं खुद जा कर यहाँ से लेती हूँ, तो फाइनली मुझे ये मिल गया है, मैं ये लेने के लिए आई थी। तो अब देखते हैं क्या है, वैसे तो ये वाला भी है, इन दोनों में मैं डिफरेंस उनसे पूछती हूँ, जो सा मुझे बेस्ट लगता है तो फिर मैं वो लेके घर जाती हूँ। गाइस गाइस गाइस, ये रही वो चीज़ स्ट्रेटनर। आप सब कहते हैं आप बाल नहीं स्ट्रेट करती, अब मैं स्ट्रेट करूँगी बाल। एक्चुअली मैं ये वो स्ट्रेटनर है जिससे अगर हम बाल स्ट्रेट भी करें तो हमारे बाल डैमेज नहीं होंगे। दूसरा ये कि डेड स्ट्रेट हो जाएंगे, जो मैं चाहती होती हूँ। और दूसरा ये, तीसरा ये कुछ भी नहीं कि मेरे लिए, आप घर चलते हैं। और हाँ, अभी मुझे ना स्टूल लेना है, एक साइड टेबल लेनी है आयशा के बेड के साथ की साइड टेबल। तो अब चलते हैं साइड टेबल लेने के लिए। नूर मैम, चाबी आपके पास है ना, तो साइड टेबल लेंगे देन घर जाएंगे। बहुत भूख लगी है, कुछ खा ना ले। दरवाजा खोल दो, अब लॉक वाला ऑप्शन है उसको भी अनलॉक कर देता। वो देखो उसका सारा स्टिकर मिटा दी, नया लेके आऊंगी। लाओ मैम। क्या? अच्छा कौन सा ख्याल है, मैं खोई हुई 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 आइसक्रीम का। आइसक्रीम नहीं खाते, इसको पीछे फेंक दो। अच्छा फेंक दो। गाइस नूर ने आइसक्रीम खानी थी, नूर को मैंने लेके दी है, अब ये मेरी भी आइसक्रीम खा रही है। तो बस अब हम घर पहुंच गए। साइड टेबल वाले से हमें साइड टेबल नहीं मिली है, वो कहते हैं सुबह जाएं तो शाम को जाएं तो सुबह जाएं तो शाम। तो बार बार वो ना ये आजकल करता जा रहा है। मैंने कहा अब तुम खुद ही हमारे घर देख जाओ, कहता ओके मैं ना डिलीवर करवा दूंगा आपको। तो बस अभी मैंने जो है ना घर पहुंच गई हूं, तो फिर आप घर जाके मिलते हैं। ओके गाइस, आयशा का रिएक्शन देखते हैं, उसने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, उसने मुझे मना किया था कि तुमने ये स्टेटमेंट नहीं लेना, तो मैंने कहा नहीं मैंने लेना है। हीना भी कहती थी लेना, तो मैंने कहा आयशा से छुप के ही लूँगी, लेकिन आयशा से छुप के लिए अब देखो क्या कहती है। घर पहुँच गए हैं, पहले तो मैं चाबी लेके गई है। किस वक्त हम गए थे, किस वक्त हम पहुँचे हैं? आए मैम, मैमड़ी ये देखें अपनी आइसक्रीम खा के, तो मेरी आइसक्रीम भी खा रही है चावल जनानी। तुमने शर्म कर लो। आयशा मुझे डांटेगी। मैं उसको प्राइस कम बता दूंगी जरा, ठीक है? आयशा को मैं प्राइस कम बता दूंगी ताकि वो मुझे डांटे ही ना। 6,500। ये तोहफा, ये क्या है चेक करो, क्या मेरा तोहफा? एक मिनट आयशा, आप ही का तो उसका तो ये क्या तरीका है, क्या हुआ है? मैं पहले चार पड़े हूँ मैं कमरे में, ये वाला नहीं था ना है, ये ज्यादा जबरदस्त है। मैंने कैमरा खोला था कि ये मुझे ज्यादा ना डांटे, लेकिन बाद में इसने मुझे डांटना है। तो मैं पद्म ने बताया था जबरदस्त की मतलब स्त्री तो भी बहुत जबरदस्त है। गाइस ने मुझे बहुत डांटा, लाइट ऑन करो, ये रह गया था, लाइट्स ऑन करो। तो गाइस मैं लेके आई, उन्होंने मुझे काफी डांटा है, कह रही थी इससे तुम अपना लैपटॉप ले आती। खैर ये ऐसा लग रहा है ना हम अभी को मार पड़ी है, मारनी पड़ी मुझे। तो गाइस अब अपने अपने बालों को जरा स्ट्रेट करके देख, उसके बाद तुम मेरे बाल को स्ट्रेट करोगी। हिना देखो यार कितनी डांट पड़ी है मुझे तुम्हारे लिए, वो मुझे कह रही है कि हिना तो मैं लेके डूबेगी, कहती है कि इससे अच्छा तुम अपने बालों को इस्तरी कर लेती। खैर नहीं, अब स्ट्रेटनर लेके आए तो इसको जरा ट्राई करते हैं। पहले भी पूछा था लेकिन ये वाला ज्यादा नाम सुना हुआ। हाँ तो अब ये ट्राई करके देखते हैं। गाइस अभी मामा आई हैं, मामा भी मुझ पे ही बरसने लग गई हैं, सबको कोई काम ही नहीं है, मेरे पे बरसने के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। ऐसी बात है, नूर अपने बाल सीधे कर रही है, क्या ट्राई आप भी ट्राई करूँ? नहीं मैं अपने बालों पर ट्राई करती हूँ, चेक करती हूँ। एग्जैक्टली, तो गाइस लेट्स अनबॉक्स दिस। गाइस वो जो गाड़ी देख रहे हैं ना, अभी गाड़ी मेरी गाड़ी है। अच्छा छोड़ो, पड़े इसको खोलते हैं। इसकी एक कह रही है अपनी आंदा का हौसला इतनी गालियाँ खा लेती है, क्या करूँगी। पापा ने तो खैर इतना नहीं डांटा है जितना आयशा और मामा ने डांट दिया। आए हाय खुल जा, ना मैं खोलती हूँ, खोलो इसको। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है, खाली है अंदर से। अच्छा जी, हाँ झूठी, अंदर से खाली है। ये इतना ठंडा रिएक्शन देना था तुमने, तुमने ऐसी हो ही नहीं सकता, खाली है अंदर से। ये तो शवारमा लग रहा है मुझे तो।
पहले अपने बाल सीधे करते हैं, मेरा मतलब कंघी करते हैं। ये देखो मेरे कर्ल्स, दिखाओ पहले, फिर आपको मैं इनका कर्ल्स हैं या फिर कर्ल्स हैं। कर्ल्स हैं, ये देखो गाइस कर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए आमना भी ट्राई कर रही है, पहले शॉर्ट वीडियो बनाई है इसने। गाइस ये देखो कितने तुम्हारी जबान तो भाई मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे बाल कर रही हूँ, मैं करके आपसे मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसके। आशा भी आ रही है जलने की, मैं लड़ाई करती हूँ भला। लड़ाई नहीं करती, आप आशा भी पीटीएम पे क्या क्या ये नूरबट लड़ाई करती है, तो मेरे टीचर्स ने कहा है लड़ाई करती है, तो मैं नहीं लड़ाई करती है। कोई शक नहीं, लड़ाई नहीं, WWE कर मिल रहा है इसकी जुबान। ओ माय गॉड, इसकी तुम्हारी टर। तो गाइस मुझे बहुत मजा आ रहा है इनको स्ट्रेट करने में। गाइस इसका मुंह जल तुम ना, सारे बाल स्ट्रेट करके आपसे मिलती हूँ फिर। ओके बाय, चलो। सो गाइस 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 बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं, सारे बाल स्ट्रेट कर लिए। कैसे लग रहे? आज अभी हमें देख रही है जैसे हम लोग को कत्ल कर दिया है। कुछ कुछ बाल मेरे डैमेज हुए पड़े हैं, वो मैं काट दूँ। अब ये करो वजह, नहा लो पहले, नहा गया ये गंदे बालों पे नहीं चलेगा। झूठा बोला करो। So guys, आज से मतलब लीमा कुछ बनाना था, वो भी नहीं बनाया। चलो चलो कोई बात नहीं, कल बना लेंगे। कल तो मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, यूनिवर्सिटी से वापसी पे। चलो ठीक है, खैर छोड़ो। ओके गाइस, व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वेट 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 वेट, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिनका मैंने नाम बोलना है, तो वो मैं आपको सब्सक्राइबर्स बता देती हूँ, वेट करें आप। तो मैं ज़रा निकाल लूँ, आयशा ने मेरे साथ ना बायकॉट कर लिया, वो कह रही है कि आज से तुम्हारी मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा है कि मैंने स्ट्रेटनर क्यों ले लिया। गाइस आप बताओ नहीं अच्छा क्या, देखो मेरे बाल स्ट्रेट सीधे, आप लोग भी इतना मुझे कहते हो कि आमना आप बाल केराटिन करवा लो। केराटिन केराटिन मैं करवा लेती, पर केराटिन से बाल डैमेज हो जाते हैं। तो आयशा अच्छा, कैमरामैन की जॉब अवेलेबल है इधर, किसी ने आना हो तो जॉब मुझे बता दें। आयशा खैर मुझे तो सब्सक्राइबर से बता दो कौन कौन से हैं, प्लीज़ बता दो। तो गाइस इस व्लॉग के नीचे फटाफट से कमेंट कर दो अपने नाम, नेक्स्ट व्लॉग में अगर आयशा आ गई दोबारा तो मैं फिर आपको नाम बता दूंगी कौन कौन से हैं। तो थैंक यू सो मच, मुझे सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। पागल हो गई हो? मेरे बालों को कुछ कही थे, अपने बाल देखे माजरत। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।